नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अल्टीमेट क्लासेज में। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफार्मर के बारे में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे रेगुलर आपको जो है वो वीडियो उपलब्ध हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे चैप्टर की, जो कि है ट्रांसफॉर्मर। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर देखो दोस्तों क्या होता है, एक प्रकार का स्टैटिक डिवाइस होता है। स्टैटिक का मतलब स्थिर डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस क्यों बोला जाता है? तो ट्रांसफार्मर में हमने देखा होगा कि किसी भी प्रकार का मूवेबल पार्ट नहीं होता, वो एक जगह स्थिर रहता है, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, स्टैटिक डिवाइस बोला जाता है। इसके बाद यदि हम बात करें कि ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर का काम सभी को पता है कि वोल्टेज को या तो स्टेप अप करेगा या क्या करेगा, स्टेप डाउन करेगा। लेकिन सर्वाधिक यूज इन्हीं दो कामों में किया जाता है। उसके बाद हम बात करें कि ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला पार्ट नहीं होता, तो उससे क्या होगा कि जो उसका लॉसेज होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ट्रांसफार्मर तो हमें पता है क्या कर रहा है, क्या उसका काम है, कि ट्रांसफार्मर को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो उसका वर्किंग प्रिंसिपल समझने से पहले हम ये बात समझेंगे कि क्यों हमें ट्रांसफार्मर की ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम वोल्टता को इतना ज़्यादा इंक्रीज करके 400 केवी पे, 200 केवी पे क्यों उतना ज़्यादा उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले उन चीज़ों को समझते हैं। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले कि आपको पता है कि वोल्टेज का जो, या वो सीधा हम बात करें, वोल्टेज का जो ट्रांसमिशन होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम करते हैं, तो वो किसके द्वारा किया जाता है, तारों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो तारों के द्वारा ट्रांसमिशन करने से क्या होता है कि आपको पता है कि हर चीज का कुछ ना कुछ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस के कारण आपको क्या पता है कि जो हानियां होती है वो क्या होती है, उस तार के अंदर जो होती है वो क्रिएट होती है। क्योंकि हमने पढ़ा, जब आप एसी सप्लाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हो तो आपको पता है कि उसके जो पोल होते हैं वो परिवर्तित होते रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनमें आई स्क्वेयर आर हानियां भी उत्पन्न होगी। क्योंकि किसी वायर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें आई स्क्वायर आर हानियां भी उत्पन्न होगी। तो उस कंडीशन में देखो क्या होता है कि यदि मान लिया मैंने यहां से वोल्टेज, अपने सिंपल समझते हैं, ज्यादा नहीं जाएंगे, 240 वोल्ट मान लिया मैं यहां से पहुंचा रहा हूं और मुझे पहुंचानी है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, तो ये हमारा स्टार्टिंग सिरा हो गया 240 वाला। तो जब यहां इस सिरे पर हम पहुंचेंगे तो हमारी वोल्टेज का मान क्या है, लॉसेज की वजह से लगातार क्या होगा, घट करके वो मान लिया हमारी यहाँ कितनी पहुंचेगी, बड़ी मुश्किल से 200 वोल्ट 190 वोल्ट कितनी भी हो। कहने का मतलब कि जो लॉस है उसकी वजह से हमारी वोल्टेज का मान क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि जो हानियां है वो आई स्क्वेयर आर हानियां वो क्रिएट होगी उसमें। तो अब उस कंडीशन में मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला मैं क्या करूं कि मैंने जो ये वायर लिया था, या तो इस वायर की मोटाई बढ़ा दूं। तो मोटाई बढ़ाऊंगा तो आपको पता है कि मोटाई बढ़ाने से मेरा खर्च बढ़ेगा, प्लस क्या होगा कि जैसे जैसे आप वायर की मोटाई बढ़ाते जाते हो तो आपकी जो करंट होती है, करंट वो क्या होती है, उसमें इंक्रीज होती रहती है। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा आपने मोटाई बढ़ा दी तो धारा को उसमें प्रवाहित होने के लिए क्या हुआ, उतना ही ज़्यादा उसको एरिया मिलेगा, तो उससे भी हमारी क्या होगी, हानि जो है वो कम नहीं हो पाएगी। तो उसमें भी क्या होगा, एक हद तक तो हम वोल्टेज को थोड़ा सही ढंग से पहुंचा पाएंगे, लेकिन
हमारे जो आई स्क्वेयर आर लॉसेज होते हैं वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि हम वोल्टेज को 240 वोल्ट ना रख करके, जैसे मैं क्या करूं कि यहाँ मुझे 240 यहाँ पहुँचानी है इस कंडीशन में, तो मुझे पता है कि मैंने जब 240 भेजी तो वो कितनी पहुँची थी, 200 पहुँची, तो मैं यहीं से इसको क्या करूँगा, 300 वोल्ट कर दूंगा, 280 कर दूंगा, इस प्रकार कर दूंगा। तो वो काम किसके द्वारा किया जाता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा किया जाता है। तो जब मैं यहाँ से 300 वोल्ट पहुँच रहा हूँ या पहुँचा रहा हूँ, तो क्या होगा कि यदि लॉसेज होंगे तो भी वो लॉसेज को कवर करती हुई इन टर्मिनल पे 240 250 वोल्ट मुझे क्या होगी, अंतिम सिरों पे प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या होगा कि लाइन के जो लॉसेज होते हैं उनको दूर करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। एक प्रकार से ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज का रेगुलेशन करता है, वोल्टेज के रेगुलेशन के भी काम करता है, वोल्टेज रेगुलेशन। तो अब देखो कि ट्रांसफार्मर ने मेरा क्या किया, वोल्टेज जितनी मुझे आवश्यकता थी उतनी उसने पहुंचा दी। अब इसकी वजह से मेरे फायदा क्या हुआ, सबसे पहला कि वोल्टेज को मैंने बढ़ा दिया, तो मैंने जो तार यूज किए थे अब मुझे उस तार की मोटाई बढ़ाने की आवश्यकता नहीं रही, तो मैं क्या कर सकता हूँ, पतले तारों के द्वारा ही वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकता हूँ, तो हमारा जो खर्चा था वो कम हो गया। दूसरा काम देखो क्या हुआ कि जब हमने ट्रांसफार्मर का यूज किया तो पतले तारों का यूज किया, और पतले तारों का यूज करने से क्या हुआ कि जो आई स्क्वेयर आर लॉसेज थे, जो हानियां थी हमारी आई स्क्वेयर आर हानियां, वो हानियां क्या हो गई, अब कम हो गई। क्योंकि पतले तारों का यूज करने से क्या हुआ, जब हमने पतले तारों के द्वारा पारेषण किया तो हमने क्या किया कि जो लाइन करंट थी वो लाइन करंट कम हो गई, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा हो गई तो लाइन करंट का मान कम हो गया, और लाइन करंट का मान कम होने से हमारी जो ये धारा थी ये कम हो गई, तो हमारी लाइन में जो लॉसेज थे वो भी क्या हो गए, कम हो गए। तो इस प्रकार ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या किया जाता है, वोल्टेज को स्टेप अप करके या फिर आवश्यकता के अनुसार स्टेप डाउन करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर पारेषित किया जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारे खर्च भी कम होते हैं और जो लाइन में लॉसेज होते हैं वो भी कम उत्पन्न होते हैं। तो ये तो हो गई हमारी ट्रांसफार्मर की उपयोगिता। अब हम यदि बात करें तो कई बार इसी में ही पढ़ लेते हैं उनको, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है कि आपको पता है कि जैसे हमने उत्पादन किया, ये मान लिया मैंने इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया, तो यदि मैं निम्मी की बुक के अकॉर्डिंग बात करूं तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत में अधिकतम उत्पादन, बात उत्पादन की हो रही है, ना प्रपारेशन की नहीं कर रहा मैं, ना वितरण की कर रहा हूं, भारत में अधिकतम उत्पादन जो है वो 11 केवी होता है, सिर्फ उत्पादन की बात हो रही है। यदि बात करें हम उत्पादन की तो 11 केवी। उसके बाद यदि मैं बात करूं आपसे ट्रांसमिशन का प्रश्न पूछा जाए, उत्पादन अलग होता है ट्रांसमिशन अलग होता है, तो यहां से उन चरणों को हम समझते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, उत्पादन हो गया। अब उत्पादन के बाद क्या होता है कि जो उत्पादन केंद्र होते हैं, उत्पादन केंद्र जैसे आपने देखा होगा कि जल विद्युत केंद्र होते हैं जहाँ पे टर्बाइनों के ऊपर जल गिला करके और क्या किया जाता है, जो हमारे अल्टरनेटर की शाफ्ट होती है उसको घुमाया जाता है और वोल्टेज पैदा की जाती है। इसी प्रकार से हमारे जो स्टीम टर्बाइन वाले होते हैं, तो इस प्रकार वहाँ पे विद्युत का उत्पादन कर लिया जाता है, और उत्पादन कितना बताया मैंने आपको, 11 केवी। अब वहाँ उत्पादन करने के बाद उत्पादन केंद्र से अल्टरनेटर को क्या किया जाता है, एक मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, यहाँ हमारा एक मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। उत्पादन केंद्र से तारों के द्वारा उस विद्युत को कहाँ तक लाया जाता है, मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग तक लाया जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या किया जाता है, फिर उसका प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, और जो
यहाँ हम बात करें मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो 11 केवी को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, 220 केवी में, ठीक है। सामान्य रूप से हम बात कर रहे हैं कि 11 केवी का उत्पादन हुआ, फिर उस लाइन के द्वारा उसको मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर तक लेकर के आए, उसकी प्राइमरी को हमने 11 केवी किया और 11 केवी को बढ़ा करके 220 केवी करके हम कहाँ भेजते हैं, आगे ग्रिड स्टेशनों पर भेजते हैं। तो ये जो स्टेज होती है इसको बोला जाता है प्राइमरी ट्रांसमिशन या फिर प्राथमिक प्रसारण, ठीक है। तो यहाँ जब ये पहुँचेगी प्राथमिक प्रसारण के बाद, जब ग्रिड स्टेशन पर पहुँचती है हमारी विद्युत, तो ग्रिड स्टेशनों पर इसको क्या किया जाता है, फिर 220 केवी की हम अगर बात करें तो 220 केवी को फिर उसमें किस में कन्वर्ट कर लिया जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के द्वारा 33 केवी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर ग्रिड स्टेशन तक हमारा काम कंप्लीट हो गया, फिर उसका क्या होता है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन होता है। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या होता है, ये हमारा ऊपर प्राइमरी था, ये सेकेंडरी हो गया। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या किया जाता है कि जो 33 केवी की वोल्टेज है उसको जो सब स्टेशन होते हैं, आपने जगह जगह देखा होगा जीएसएस या सब स्टेशन, तो वहां पर क्या किया जाता है, 33 केवी वोल्टेज से उसका प्रसारण किया था, और 33 केवी को कहां तक लेकर के आते हैं हम, 11 केवी तक। तो इस प्रकार अलग अलग चरण हुए, पहले उत्पादन, फिर उसको मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर तक लेके आए, फिर हमने उसको 220 केवी को 33 में कन्वर्ट किया, ग्रिड स्टेशन ने 33 केवी को 11 केवी में कन्वर्ट करके सर्विस स्टेशन को भेज दिया या सब स्टेशन को भेज दिया, और सब स्टेशन वाले क्या करते हैं, इस 11 केवी को क्या करते हैं, फिर जो वितरण केंद्र होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, डीएस लिख देता हूं मैं, वितरण केंद्रों पर भेज देते हैं 11 केवी को 415 वोल्ट में कन्वर्ट। तो इस प्रकार क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन से फिर जो लाइनें होती है हमारी वो कहाँ आती है, जो घरों के पास पोल होते हैं उन पे आती है, और हमें जो है वो विद्युत प्राप्त होती है। तो अब देखो इसमें जो होता है, उत्पादन हो गया, फिर हमारा ट्रांसफार्मर, तो प्रत्येक स्टेज पे आपको पता चल रहा है कि काम मेन किसका हो रहा है, ट्रांसफार्मर का हो रहा है। तो ट्रांसफार्मर क्या होती है, एक महत्वपूर्ण युक्ति होती है, पहले हम उत्पादन करते हैं, फिर हम उसको मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप करते हैं, फिर ग्रिड स्टेशन पहुंचाते हैं, फिर सर्विस स्टेशन पहुंचाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन पहुंचाते हैं, और फिर उपभोक्ता के घर तक पहुंचाते हैं। तो इतने चरणों में यदि हमारा ट्रांसफार्मर नहीं हुआ, हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है, यदि मान लिया मैं 11 केवी से शुरू करके सीधा उपभोक्ता या डिस्ट्रीब्यूशन तक 11 केवी पहुंचा रहा हूं बिना ट्रांसफार्मर के, तो वो 11 घटते घटते यहाँ आते आते कितना बड़ा नेटवर्क हो जाता है कि जो 11 केवी है उसका मान जो है वो बहुत ही कम रह जाएगा, क्योंकि लाइन में लॉसेज अधिक होंगे। तो इसलिए क्या होता है, हमारा ट्रांसफार्मर यूज होता है। तो ट्रांसफार्मर की उपयोगिता आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से इसी में आपके और ट्रांसफार्मर से संबंधित तो नहीं है, चलो बता देता हूं मैं कि जो उत्पादन केंद्र से लेकर के आप मेन सर्विस स्टेशन तक, ये जो उत्पादन केंद्र से हम शुरू हुए और यहाँ तक जो वायर आती है, कई बार आपने प्रश्न पूछा गया, उसको बोला जाता है फीडर लाइन। फीडर लाइन क्या होती है, उत्पादन केंद्र से लेकर के अल्टरनेटर के मुख्य स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जोड़ने वाली लाइन क्या कहलाती है, आपकी फीडर लाइन कहलाती है। इस बात का भी ध्यान रखना आप। उसके बाद दूसरी लाइन आपने सुनी होगी, मेन फीडर लाइन। मेन फीडर लाइन देखो क्या होती है कि जो मेन स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है वहां से लेकर जो ग्रिड स्टेशनों तक लाइन आती है उस लाइन को क्या बोला जाता है, मेन फीडर लाइन बोला जाता है। उसके बाद हम बात करें कि वितरण केंद्रों तक, तो ये जो लाइन आती है सेकेंडरी ट्रांसमिशन की जो लाइन होती है ग्रिड स्टेशनों से लेकर के हमारे जो सब स्टेशन होते हैं वहां तक जो लाइन आती है उस लाइन को क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोला जाता है। उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और उसके बाद हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के जो उपभोक्ता के घर तक हम पहुंचाते हैं वो लाइन हमारी कौन सी होती है, सर्विस लाइन होती है। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रकार की लाइन के लिए अलग अलग यूज होता है। दोबारा सुन लीजिए कि उत्पादन से लेकर के जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर तक हम लाते हैं उसको बोला जाता है फीडर, फिर
जो ट्रांसफार्मर से ग्रिड स्टेशन तक लाते हैं उसको बोला जाता है मेन फीडर लाइन, और जो ग्रिड स्टेशन से हम वितरण केंद्र तक लेकर के आते हैं वो कहलाती है आपकी, ग्रिड से वितरण केंद्र सब स्टेशन या डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक वो आपकी क्या कहलाती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। और सर्विस लाइन क्या होती है, जो हमारे वितरण केंद्रों से लेकर के जो घरों तक आती है वो होती है हमारी सर्विस लाइन। तो प्रत्येक क्षेत्र में किसका यूज होता है, ट्रांसफार्मर का। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांसमिशन और जो हमारा उत्पादन है वो अलग अलग किस प्रकार होता है। तो ट्रांसमिशन आपको पता है ज़्यादातर जो बात करें हम, तो 400 केवी आपने देखा होगा, 33 केवी, 66 केवी, 200 केवी। और यदि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 11 केवी जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो ये थी ट्रांसफार्मर से संबंधित जो बेसिक जानकारी। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत की, वर्किंग प्रिंसिपल की। तो हमें सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से चलना है, ज़्यादा उसमें समुद्र में नहीं गोते लगाने कि प्राइमरी धारा उत्पन्न हुई, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। हमें परीक्षा की दृष्टि से उसको क्या करना है, समेटना है चैप्टर को। तो बात करें प्रिंसिपल की, तो ट्रांसफार्मर आपको पता है किस पर काम करता है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर, ठीक है। ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है, ठीक है। कहने का मतलब अब यदि मैं इसको और ज़्यादा विस्तारित करूं तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, फैराडे के जो पारस्परिक प्रेरण का नियम या जिसको बोला जाता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, कई शब्द यूज होते हैं, पारस्परिक प्रेरण आपको लिखा मिल सकता है या फिर अन्योन्य प्रेरण लिखा हुआ होता है निम्मे की बुकों में, ठीक है, सह प्रेरण, पारस्परिक प्रेरण, अनन्य प्रेरण, सह प्रेरण या जो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन, इस नियम के ऊपर जो है वो काम करता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो क्या होता है कि हमने देखा था स्टार्टिंग में चुंबक के चैप्टर में ही, सिंपल सा फंडा है कि जब आप, ये हमने मान लिया कोई हमारा ट्रांसफार्मर ले लेते हैं एक सिंपल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस देखो क्या होता है कि ट्रांसफार्मर में आपको पता है कि दो वाइंडिंग होती है, ये हमने मान लिया कोई प्राइमरी और इस तरफ हमारी कोई सेकेंडरी वाइंडिंग। तो जब आप किसी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई से जोड़ते हो तो एसी सप्लाई से जोड़ने पर आपको पता है कि एसी में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, या फिर सिंपल मैं बात करूं तो पोल जो होते हैं वो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। तो पोलों के परिवर्तित होने से क्या होता है कि जो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या होगा, बदलने वाले स्वभाव का होता है। तो जिससे क्या होता है कि जब इसको एसी सप्लाई से जोड़ा तो इसमें कोई फ्लक्स उत्पन्न होता है, और फ्लक्स के उत्पन्न होने से ये हमारी क्या होती है, एक कोर होती है लोहे की, इस कोर के द्वारा वो फ्लक्स क्या करता है, गमन करता है, और गमन करके ये जो सेकेंडरी की जो कोयल होती है उसको काट देता है। तो जिससे क्या होता है कि जब फ्लक्स किसी कुंडली को काट रहा है तो उसमें क्या होगी, एक वोल्टेज पैदा होती है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को हम एसी सप्लाई से जोड़ते हैं तो उसके साथ जो दूसरी सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसमें भी एक वोल्टेज पैदा होती है, उसको क्या बोला जाता है, पारस्परिक प्रेरण का सिद्धांत बोला जाता है। तो सिंपल यदि हम बात करें तो पारस्परिक प्रेरण में क्या होता है कि जब दो कोयल एक साथ रखी गई हो तो उनमें से यदि आप किसी एक कोयल को सप्लाई देते हो तो उसके साथ रखी जो दूसरी कोयल होती है उसमें भी ईएमएफ पैदा हो जाता है, और
उसके बाद हम बात करें कि ये ईएमएफ पैदा किस पर होता है या निर्भर किस पर करता है। तो ये ईएमएफ हमेशा आपका टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है, टर्नों की संख्या पर, नंबर ऑफ टर्न पर निर्भर करता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि आपके प्राइमरी में टर्नों की संख्या कम है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, ट्रांसफार्मर का प्रकार कौन सा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। यदि प्राइमरी में टर्नों की संख्या अधिक है और सेकेंडरी में टर्नों की संख्या कम है तो आपका ट्रांसफार्मर कौन सा होगा, सेकेंड, जो स्टेप अप प्रकार का होता है, ठीक है। अब हम बात करें यदि कि ये जो दोनों वाइंडिंगें होती है इनका आपस में कोई संबंध नहीं होता। आपने देखा होगा जो सिंपल लैब में भी आपके जो होंगे ट्रांसफार्मर, तो इन वाइंडिंगों का आपस में कोई मतलब संबंध नहीं होता, फिजिकल रिलेशन इनका नहीं होता, लेकिन ये दोनों वाइंडिंगें जो होती है वो आपस में मैग्नेटिक रूप से जो होती है मैग्नेटिकली कॉन्टैक्ट में होती है। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी एक लोहे की कोर है उस कोर के द्वारा जो फ्लक्स इसमें उत्पन्न हुआ वो फ्लक्स इस कोर के द्वारा यहाँ पहुँचेगा और यहाँ पहुँच करके इस वाइंडिंग को काटता है, जिससे इसमें भी क्या होती है, एक वोल्टेज पैदा होती है। तो प्रश्न एक बार पूछा गया ये, तो उनमें फिजिकल रिलेशन किसी प्रकार का नहीं होता लेकिन मैग्नेटिक लूप से वो आपस में क्या होती है, कॉन्टैक्ट में रहती है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पैदा हो रहा है तो उसका एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा और इधर वाली का भी एक चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ऑटोमेटिक रूप से ही उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और दूसरी वाइंडिंग में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस पर निर्भर करता है, आपका टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि हमें वर्किंग प्रिंसिपल से ज़्यादा मतलब नहीं है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल में यही है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है, पारस्परिक प्रेरण पर काम करता है। पारस्परिक प्रेरण होता क्या है कि जब आप एक किसी कुंडली में एसी सप्लाई प्रदान करते हो तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में भी क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है जिससे उसमें एक ईएमएफ पैदा होता है। वही ईएमएफ क्या होता है, हम आउटपुट के रूप में ट्रांसफार्मर में प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि सेकेंडरी के टर्न कम है तो स्टेप अप और ज़्यादा है तो सॉरी कम है तो स्टेप डाउन और ज़्यादा है तो स्टेप अप हमारा क्या होता है, ट्रांसफार्मर होता है। अब देखो उसके बाद हमने बात की कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो स्टैटिक डिवाइस है। मैंने आपको बताया एक स्टैटिक डिवाइस होता है, तो स्टैटिक डिवाइस होने की वजह से जितने भी विद्युतीय उपकरण हैं उनमें सबसे ज़्यादा दक्षता किसकी होती है, आपके ट्रांसफार्मर की होती है। ध्यान रखना क्यों, क्योंकि एक तो कोई घूमने वाला भाग नहीं है, तो घूमने वाला भाग नहीं होने से जो मैकेनिकल लॉसेज हो रहे थे हमारे घर्षण की वजह से, ब्रश की वजह से और वो सारी हानियाँ जो हमारी वो है इसमें से गायब हो जाती है। उसके बाद हम अगर बात करें दक्षता की, तो आपको ध्यान रखना है कि यदि एक सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता की बात करें, हम ना आइडियल की बात करें फिलहाल ना किसी और की, तो सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता की यदि मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखनी है 95 से लेकर के 98% तक होती है एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर की, ठीक है। सिर्फ नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम, यहीं से प्रश्न ज़्यादा पूछा गया है। आपको यदि एक सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता पूछी जाती है तो सीधा फैक्ट है ये, रट लेना इसको, 95 से 98% होती है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, दूसरा ट्रांसफार्मर आपका कौन सा होता है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता आपकी कितनी होगी, 100% होगी। आइडियल जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी दक्षता आपकी कितनी होती है, 100% होती है। और कोई भी चीज़ आपको पता है कि आइडियल नहीं हो सकती, ये एक प्रकार का क्या होता है, काल्पनिक ट्रांसफार्मर होता है। तो ऐसा कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं बन सकता जिसकी जो है वो दक्षता जो है वो 100% हो। क्यों? क्योंकि यदि आप इसको और विस्तारित कर देता हूँ मैं, कि यदि आप आदर्श ट्रांसफार्मर की बात करते हो तो ऐसा ट्रांसफार्मर बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जो आदर्श ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए,
जीरो ओम होना चाहिए, जो कि पॉसिबल लगभग तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब आदर्श ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जीरो है, तो आपको पता है कि जो आदर्श ट्रांसफार्मर होगा वो एक किसकी तरह काम करना चाहिए, प्योर इंडक्टिव परिपथ की तरह काम करना चाहिए। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में अलग प्रश्न पूछा जा सकता है, हमेशा ध्यान रखना कि जो करंट होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, लैगिंग चलती है या फिर पश्चगामी चलती है। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में करंट हमेशा वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होती है, पश्चगामी या फिर लैगिंग होती है। तो जब आपने वाइंडिंग का रेजिस्टेंस जीरो कर दिया, करंट आपकी 90 डिग्री पश्चगामी है, तो फिर एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो एक आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसका पावर फैक्टर हमेशा ध्यान रखना कितना होता है, जीरो होता है। इधर लिख रहा हूँ मैं, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की यदि बात की जाए तो आपका जो पावर फैक्टर पूछा जाएगा तो हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। तो आदर्श जैसी कोई चीज़ लगभग नहीं होती है, ये काल्पनिक सोच है, क्योंकि कोई भी चीज़ में जीरो रेजिस्टेंस आप किसी भी वायर का यूज़ करोगे तो भी आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ उसमें लॉस जो है वो प्राप्त होंगे। तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर की बताई मैंने आपको 95 से 98, आदर्श ट्रांसफार्मर, आदर्श क्या, किसी भी चीज़ में आइडियल की बात करो आप तो 100% ही होगा। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता आपकी 100%, वाइंडिंग प्रतिरोध जीरो, और करंट हमेशा क्या होती है, 90 डिग्री लैग में चलती है, लैगिंग होती है। क्योंकि फिर यदि आप वो इंडक्टर की तरह काम करेगा, प्योर इंडक्टर की तरह काम करेगा, तो फिर उसमें करंट का मान जो है वो 90 डिग्री पश्चगामी होना स्वाभाविक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम कि यदि आपसे ऑटो ट्रांसफार्मर, आपने देखा होगा ऑटो ट्रांसफार्मर आपका जो होता है वो स्वप्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, स्वप्रेरण, ठीक है। ये चीज भी ध्यान रखना भाई, पीछे मैंने बताया था सहप्रेरण, सह का मतलब आपस में, तो ज़्यादा आप म्यूचुअल का ही ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी में यदि प्रश्न आएगा तो वहाँ पर 3-4 शब्दों का यूज हो सकता है जो मैंने आपको बताए, अन्योन्य प्रेरण, सह प्रेरण, ठीक है, पारस्परिक प्रेरण। तो इंग्लिश में हमेशा आपको क्या लिखा मिलेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे सामान्य ट्रांसफार्मर काम करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर आपका क्या करता है, स्वप्रेरण पर काम करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एक ही वाइंडिंग होती है, उसी में से क्या किया जाता है, सेकेंडरी के रूप में जो है वो आपका टैपिंग के द्वारा जो है वो आउटपुट प्राप्त कर लिया जाता है। तो जब आप बेसिकली जो होते हैं यहाँ पर क्या होता है, रोटरी स्विच लगे होते हैं उनके ऊपर घुमाने वाले, तो ये वाइंडिंग के टर्नों की संख्या को कम ज़्यादा करके आप क्या कर सकते हैं, उसकी वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, स्वप्रेरण के ऊपर ये काम करता है। स्वप्रेरण क्या होता है कि जब आप किसी कुंडली में एसी सप्लाई प्रदान करते हो तो उसके अंदर, उस कुंडली में स्वयं के अंदर ही क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है, प्रेरण का गुण पैदा हो जाता है। तो उससे क्या होगा कि जब आप उसी कुंडली में से कुछ टैपिंग निकाल रहे हो तो वो क्या करेगा, जितने हिस्से पे आप ले रहे हो उतने हिस्से पे वो आपको वोल्टेज जो है वो प्रदान करेगा। तो इस प्रकार जो है वो स्वप्रेरण के कारण जब वोल्टेज पैदा होती है तो वो ट्रांसफार्मर आपका कौन सा होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। अब देखो एक चीज़ और होती है कि ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज प्रायः नहीं किया जाता या नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि बाई चांस आपकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, जो हमने एसी में से निकाली हुई है सेकेंडरी वाइंडिंग, वो कहीं से ओपन हो जाए, मान लिया यहाँ बीच में से ओपन हो गई, तो ओपन होने से क्या होता है, आपकी जो युक्ति है वो 100% यदि वोल्टेज उसकी उसके अकॉर्डिंग है, मतलब डिज़ाइन है, जैसे हमने ऑटो ट्रांसफार्मर से 100 वोल्ट की कोई युक्ति जोड़ रखी है, तो यदि हमारी वाइंडिंग ये बीच में से ओपन हो गई तो क्या होगा, आपको पता है कि खुले सिरों पर जो विभवांतर का मान होता है वो हमेशा आपूर्ति वोल्टेज के बराबर होता है। तो जितनी वोल्ट आप यहाँ प्रदान कर रहे हो वो पूरी की पूरी वोल्टेज आपकी यहाँ जो युक्ति जुड़ी होगी उसके ऊपर पहुँच जाएगी, और आपकी जो युक्ति होगी वो क्या हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए जो है वो स्वप्रेरण के आधार पर काम करने वाले ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज बड़े लेवल पर नहीं करते हैं, ठीक है। दोष क्या है इसमें कि जो यदि बाय चांस सेकेंडरी वाइंडिंग ओपन हो गई तो हमारी जो युक्ति है वो खराब हो जाएगी। प्रश्न हमारा कहाँ था, एफिशिएंसी की मैं बात कर रहा था। तो स्वप्रेरण जो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर,
इसकी जो दक्षता होती है वो ध्यान रखना आप कितनी होती है, 99% होती है। क्यों? क्योंकि एक ही वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग होने से एक वाइंडिंग ही कम होगी, तो जिससे क्या होता है कि जो थोड़ी एफिशिएंसी है इसकी वो इंक्रीज हो जाती है। तो दक्षता देखो कैसे हुई कि आपकी सबसे पहले आइडियल ट्रांसफार्मर की 100%, नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले उनकी 95 से 98%, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है आपका उसकी कितनी होती है, 99%। यदि पावर ट्रांसफार्मर पूछ ली, ठीक है, कौन से ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, तो पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता आपको ध्यान रखनी है कि लगभग मानी जाती है 88 से लेकर के 92-93% तक, 88% से लेकर के 93% तक जो है वो पावर ट्रांसफार्मर की दक्षता मानी जाती है। तो प्रश्न को पढ़ करके उत्तर देना है कि वो किसकी बात कर रहा है, पावर की कर रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर की कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कर रहा है, या फिर आपके जो है वो आदर्श ट्रांसफार्मर की कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एक फैक्ट और बता देता हूँ बढ़िया, कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन और जो पावर ट्रांसफार्मर, सबसे पहले मैं डिस्ट्रीब्यूशन का बता देता हूँ, याद रखनी है आपको ये बात कि जो आपके 5 KVA से लेकर के 5 KVA से लेकर के 2000 KVA तक के, 5 KVA से 2000 KVA तक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं, और पावर ट्रांसफार्मर आपके क्या होंगे, पावर ट्रांसफार्मर, पीटी लिख रहा हूँ, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मत कर लेना इसको, पावर ट्रांसफार्मर है वो 2000 KVA से लेकर के कहाँ तक होंगे आपके, 20000 KVA तक, ठीक है। तो जो पावर होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पावर ट्रांसफार्मर की पावर अधिक होती है 2000 से 20000 तक। सीधा प्रश्न यहीं से भी पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ से कहाँ तक और पावर ट्रांसफार्मर है जो वो कहाँ से कहाँ तक। तो मैंने आपको दक्षता के विषय में भी बता दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकारों के विषय में। तो प्रकारों के आधार पर ट्रांसफार्मर को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है। तो वो आधार क्या क्या हो सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर को बोल दिया जाता है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर, या शेल टाइप ट्रांसफार्मर, या बेरी टाइप ट्रांसफार्मर, या फिर आपने देखा होगा वोल्टेज के आधार पर कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, या फेजों की संख्या के आधार पर आपने देखा होगा कि सिंगल फेज है या थ्री फेज का है। तो इस प्रकार क्या होता है, अलग अलग उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोर के आधार पर। तो कोर के आधार पर ध्यान रखना है आपको, ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं, पहला कोर टाइप, दूसरा शेल टाइप, और तीसरा होता है आपका बेरी टाइप, ठीक है। कोर के आधार पर आपके ट्रांसफार्मर्स कितने प्रकार के हो गए, पहला कोर टाइप, दूसरा शेल टाइप, और तीसरा होता है आपका बेरी टाइप। अब देखो तीनों की जो संरचनाएं होती है, काम तो वही होता है उनका, लेकिन संरचनाएं जो होती है वो अलग अलग होती है। वो संरचनाएं अलग अलग क्यों होती है, क्योंकि जो लीकेज फ्लक्स होता है उसको कम करने के लिए जो बार बार क्या किया गया, उसमें आपका सुधार किया गया। तो पहले कोर टाइप ट्रांसफार्मर बनाए गए, उनमें लीकेज फ्लक्स का मान ज़्यादा होता था, फिर आपके शेल टाइप आ गई, फिर आपके बेरी टाइप आ गई। तो इस प्रकार क्या होता है, उनमें विकास का रूप जो है वो लगातार बढ़ता रहा, और आपका जो लीकेज फ्लक्स का मान है वो कम होता गया। तो कोर के आधार पर आपके ट्रांसफार्मर कितने हो गए, कोर टाइप, शेल टाइप और बेरी टाइप। अब बात कर लेते हैं इनके अलग अलग किस प्रकार बांटा गया इनको। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सिंपल यूं एक वाइंडिंग इधर कर दी गई और एक वाइंडिंग इधर कर दी गई, ठीक है।
और ये बीच में क्या होती है आपकी लोहे की कोर होती है। अब हमारा प्रश्न ये नहीं है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि ये जो कोर होती है, ठीक है, ये कोर बनी किसकी होती है, सिलिकन स्टील की बनी होती है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना है आपको कि जो कोर होती है वो आपकी सिलिकन स्टील की बनाई जाती है। जो पत्तियाँ बेसिकली आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर जब आप यूज़ करते हो तो जो ये हमारा कोर है वो सिलिकन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों की बनी होती है। अब प्रश्न ये बनता है कि पहली बात तो सिलिकन स्टील की क्यों बनाई गई, दूसरी बात क्या उठती है कि लेमिनेटेड क्यों बनाया गया, तीसरा एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि ये पटलनों में, कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे एक हमारे पास में ये हमने मान लिया कोई टुकड़ा है, इस टुकड़े को क्या करेगा वो कई भागों में ऐसे पटलनों में काट 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 के छोटा छोटा बांटा होता है, तो पटलित भी होती है ये। अब तीनों का अपना अलग अलग क्या है काम है, तीनों की मैं बता रहा हूँ ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसके अलावा कुछ भी हमें याद नहीं रखना। कोर टाइप में क्या होता है, बस एक तरफ प्राइमरी और एक तरफ सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो पहला प्रश्न हमारा कि इसको सिलिकन स्टील का क्यों बनाया जाता है, तो सिलिकन स्टील का इसलिए बनाया जाता है दोस्तों कि जो सिलिकन होता है वो आपका वो हिस्टेरिसिस हानियों को कम करने के काम आता है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना आप, हिस्टेरिसिस लॉस। जो सिलिकन का यूज इसलिए करते हैं कि जो हमारी हिस्टेरिसिस हानियाँ हैं हमारे ट्रांसफार्मर में वो क्या हो, कम से कम हो। अब देखो सिलिकन का भी यूज़ तो किया जाता है, लेकिन ये नहीं है कि हम 50% सिलिकन ले लिया और 50% फेरस ले लिया, इस प्रकार भी नहीं होता, बहुत ही अल्प मात्रा मिलाई जाती है। कि जो स्टील होता है उसमें ये भी प्रश्न पूछा गया है कि कितने प्रतिशत जो है वो सिलिकॉन का यूज किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि 2 से लेकर के 4% तक आपका क्या मिला होता है उसमें, सिलिकॉन मिला होता है, 2 से लेकर के 4% तक आपका सिलिकॉन मिला होता है। सिलिकॉन के मिले होने से आपकी जो हिस्टेरिसिस हानियाँ होती है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या काम था कि उनको पटलित क्यों बनाया गया, मतलब छोटे 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 ऐसे पीस में क्यों बांटा गया, एक हम सॉलिड कोर का भी तो यूज कर सकते थे, तो उसका आंसर क्या होता है कि पटलित इसलिए बनाया जाता है कि जो आपके एडी करंट लॉसेज होते हैं, एडी करंट लॉसेज वो क्या होंगे, कम होंगे जब आप उसको पटलित बनाओगे। लेकिन यदि आप उसको पटलित नहीं बनाओगे, छोटे छोटे भागों में बांट करके नहीं बनाओगे, यदि मान लिया मैंने एक सॉलिड कोर ले ली, तो उसमें क्या होगा कि मेरी जो भंवर धारा हानियाँ होगी वो बढ़ जाएंगी, और भंवर धारा हानियों के बढ़ने से हीट पैदा होती है, और हीट और चुंबक का आपस में क्या है आपको संबंध पता है कि विपरीत संबंध होता है, तो हमारी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी भी क्या होगी, घटेगी। तो पटलित करने से हमारा क्या हुआ कि जो एडी करंट लॉसेज थे वो बढ़ जाते हैं, सॉरी घट जाते हैं, तो इसलिए उनको क्या किया जाता है, पटलित बनाया जाता है, ठीक है। तीसरा प्रश्न कि लेमिनेटेड क्यों कोर होती है, सीधी भी तो यूज कर सकते हैं, तो लेमिनेटेड कोर को यूज करने का कारण ये होता है कि जो हीट होती है वो हीट कम से कम उत्पन्न हो, उस हीट को कम करने के लिए किसका यूज किया जाता है, लेमिनेशन का यूज किया जाता है। तो लेमिनेटेड पटलित सिलिकन स्टील की हमारी क्या बनी होती है, कोर बनी होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों की मोटाई भी आपको ध्यान रखनी है। तो यदि हम बात करें 50 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी की, तो लगभग 0.35 mm से लेकर के, सीधा फैक्ट है आपको याद रखना है, 0.5 mm तक जो है वो आपकी ये पत्तियों की क्या रखी जाती है, मोटाई रखी जाती है 50 हर्ट्ज तक के ट्रांसफार्मर में, 0.35 mm से लेकर के 0.5 mm तक। तो इस प्रकार जो कोर होती है हमारी किसकी बनी होती है, लेमिनेटेड स्टील की, पटलित सिलिकन स्टील की होती है, ठीक है।
अगला था हमारा शेल टाइप का ट्रांसफार्मर। शेल टाइप के ट्रांसफार्मर में महत्वपूर्ण क्या ध्यान रखना है आपको? कि सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में जो दोनों वाइंडिंग होती है वो आपकी ए की जो सेंटर होता है उसके ऊपर की होती है। कहने का मतलब इस बीच वाले हिस्से के ऊपर ही आपकी क्या की होगी, प्राइमरी वाइंडिंग, और इसी के ऊपर बाद में इसको इंसुलेट कर करके आपकी क्या कर दी जाती है, सेकेंडरी वाइंडिंग कर दी जाती है। तो इस प्रकार का ट्रांसफार्मर आपका क्या कहलाता है, जो है वो कौन सा कहलाता है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब बात करें कि एक प्रश्न एक बार पूछा गया था, अभी मैं बताना भूल गया आपको, कि पत्तियों की जो वो है शेप पूछ ली जाती है। तो शेल टाइप के ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी जो शेप की पत्तियां उनका यूज होता है। तो सेल टाइप को ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए आपकी ई और आई टाइप की पत्ती का यूज होता है, ठीक है। क्या किया जाता है, जैसे ई टाइप की एक कोई पत्ती ले ली, उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, फिर इधर एक कोई आई टाइप की पत्ती लगा दी जाती है इस प्रकार। तो ई और आई टाइप की पत्तियों को आपस में मिला करके आपका क्या बनाया जाता है, सेल टाइप का ट्रांसफार्मर बनाया जाता है, ठीक है। और कोर टाइप में कौन सी पत्तियां होती है, एल टाइप की। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में ऐसे एक एल टाइप की पत्ती ले लेते हैं और फिर एक इधर एल टाइप की पत्ती ले लेते हैं, इनको आपस में एक दूसरे पर रख करके फिर बाद में इधर क्या कर देते हैं, वाइंडिंग कर देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना आप, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोर टाइप के ट्रांसफार्मर में एल टाइप की पत्तियां और जो सेल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है उसमें ई और आपकी आई टाइप की पत्तियों का यूज होता है, ठीक है। अब देखो कि जो आपका कोर टाइप का ट्रांसफार्मर था उसमें फ्लक्स का लीकेज होता था वो ज़्यादा होता था। जैसे कोर टाइप का ट्रांसफार्मर यदि हम बात करें तो एक वाइंडिंग इधर थी एक वाइंडिंग इधर थी, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र जब था वो बाहर की ओर फैल रहा था और इसका भी फैल रहा था, जो जिससे क्या था कि जो फ्लक्स का लीकेज था वो अधिक होता था। तो उसको दूर करने के लिए आपका शेल टाइप का ट्रांसफार्मर बना दिया गया। तो इसमें क्या होगा कि जो प्राइमरी का फ्लक्स होगा वो इधर और जो सेकेंडरी का फ्लक्स होगा वो इधर, इस कोर के अंदर ही क्या करेगा हमारा, घूमता रहता है। तो जिससे जो फ्लक्स का लीकेज होता है वो क्या होता है, कम होता है कोर टाइप की अपेक्षा। अब उसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें क्या बन सकता है, हमेशा ध्यान रखना कि सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में पहले, मतलब कोर के ऊपर पहले कौन सी वाइंडिंग की जाती है, पहले हमेशा लो वोल्टेज की वाइंडिंग की जाती है। शेल टाइप ट्रांसफार्मर में आपकी पहले लो वोल्टेज साइड के ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग होती है वो होती है, ठीक है। जैसे हमारा शेल टाइप का ट्रांसफार्मर अभी हमने देखा था कि ये जो बीच की कोर है इसके ऊपर पहले लो वोल्टेज की वाइंडिंग होगी और फिर उसके ऊपर जो है वो हाई वोल्टेज की वाइंडिंग होगी। तो पहले लो वोल्टेज की वाइंडिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि लो वोल्टेज की वाइंडिंग करने के लिए जो कोर के ऊपर हमें इंसुलेशन देना पड़ेगा वो कम देना पड़ेगा, तो सुरक्षा की दृष्टि से भी वो क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पहले लो वोल्टेज की वाइंडिंग होती है, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन होता है और फिर उसके ऊपर आपकी क्या होती है, हाई वोल्टेज की वाइंडिंग होती है। तो ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। अब हम बढ़ते हैं आगे कि इसमें भी थोड़ा बहुत फ्लक्स में लीकेज हो रहा था, तो उसको दूर करने के लिए जो है आपका बेरी टाइप के ट्रांसफार्मर आ गए थे। इस प्रकार के यूं पत्तियां निकली होती थी उनमें, तो इस तरीके से क्या होता है कि अलग अलग आपके यूं कांचों में वो बंटी हुई पत्तियां होती थी इनमें, वो जो ट्रांसफार्मर होते थे वो आपके बेरी टाइप के ट्रांसफार्मर थे। इनमें भी क्या किया जाता था कि जो ये बीच का भाग था इसके ऊपर वाइंडिंग कर दी जाती और ये पत्तियां जो सी जो निकली होती थी चारों तरफ, इनके अंदर आपका जो फ्लक्स है वो मूव करता था। तो जिससे क्या होता था कि बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में आपके जो फ्लक्स का लीकेज होता है वो सबसे कम होता है। तो फ्लक्स का लीकेज यदि पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा कोर टाइप में, उसके बाद शेल टाइप में, और सबसे कम आपका होता है बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में।
ठीक है। उसके बाद इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो ट्रांसफार्मर होते हैं बेरी टाइप के आपके, ये छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं साइज में, छोटे साइज के ट्रांसफार्मर होते हैं। और यदि हम बात करें तो इसमें जो आपके कोर टाइप और शेल टाइप दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर के क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं। उसके बाद एक प्रश्न का एक बार पूछा गया था कि इस पे वाइंडिंग कौन सी की होती है, तो बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में आपकी सिलेंड्रिकल वाइंडिंग की होती है, ये ध्यान रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट। बेरी टाइप ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कौन सी की होती है, सिलेंड्रिकल वाइंडिंग की होती है। तो जब छोटे टाइप के ट्रांसफार्मर हैं तो यूज भी इसका कम किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे कोर के आधार पर जो ट्रांसफार्मर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम बात करते हैं वोल्टेज के आधार पर। तो वोल्टेज के आधार पर आपको पता है कि ट्रांसफार्मर एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। चलिए बात करते हैं स्टेप अप के बारे में। स्टेप अप में आपका क्या होता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न होते हैं वो कम और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या जो होती है वो ज़्यादा रखी जाती है। तो आपको पता है कि जो आपका जनरेट ईएमएफ होगा वो टर्नों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जिससे जो मान लिया हमने यहाँ पर 200 वोल्ट दे रहे हैं, तो ये टर्नों के ऊपर निर्भर करेगा कि आउटपुट में वो हमें 200 वोल्ट से जो है वो अधिक वोल्टेज प्रदान करता है। तो जब प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या कम और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक हो, तो उस प्रकार का ट्रांसफार्मर आपका क्या कहलाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या ज़्यादा और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या जो होती है वो कम रखी जाती है। तो जिससे क्या होता है कि जितना हम उसको इनपुट प्रदान करते हैं वो उस इनपुट का घटा करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। तो बस ये सिंपल सी चीज़ होती है स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब हम बात करते हैं आगे और बढ़ते हैं कि अगले टाइप या अगला आधार क्या है जिसके आधार पर ट्रांसफार्मर को बांटा जाता है। तो अगला होता है आपका फेजों की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो फेजों की संख्या के आधार पर पहला होता है आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है आपका थ्री फेज ट्रांसफार्मर। तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में आपको पता है कि दो बेसिक सिंपल वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस प्रकार के ट्रांसफार्मर अधिकतर देखे होंगे आपने सिंपल, जो 250 वोल्ट तक के लिए यूज किए जाते हैं। अब इनमें भी क्या होते हैं कि स्टेप अप टाइप के भी हो सकते हैं और स्टेप डाउन टाइप के भी हो सकते हैं। बात करें थ्री फेज ट्रांसफार्मर की, तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज जो है वो ज़्यादा किया जाता है वर्तमान समय में। थ्री फेज की जो सप्लाई होती है उसको, जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको करने के लिए तीन फेज ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो थ्री फेज में क्या होगा, जो वाइंडिंगों के सेट होते हैं वो तीन होते हैं, एक दो तीन इस प्रकार से। तो तीनों फेजों के लिए क्या किया जाता है, थ्री फेज ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, जिससे कि जो हमारे तीनों फेजों की वोल्टेज है वो एक साथ स्टेप अप होकर के आउटपुट के रूप में प्राप्त होती है। तो फेजों के आधार पर आपके ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, सिंगल फेज और थ्री फेज ट्रांसफार्मर। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कि जो व्यापारिक आधार होता है, व्यापारिक आधार पर आपके ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से, पहला मैंने आपको बताया पावर और दूसरा मैंने आपको एक बताया था वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो अधिक केवीए की क्षमता के होते हैं और ज़्यादातर इनका जो यूज होता है वो लाइन के जो सिरे होते हैं, लाइन के जो एंड सिरे होते हैं वहाँ का वोल्टेज बढ़ाने या फिर घटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और ये नहीं होता कि भाई ये ट्रांसफार्मर सिंगल फेज के होते हैं या, और सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों में जो है वो आपके पावर ट्रांसफार्मर मिलते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर की जो रेटेड क्षमता होती है वो आपकी कितनी होती है,
2000 केवीए से ऊपर ऊपर होती है। तो पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ 2000 केवीए से लेकर के आपके कितने 20000 केवीए तक के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से आपने देखे होंगे कि ज़्यादातर जो आपके सब स्टेशन होते हैं उनमें इनका यूज किया जाता है। तो 5 केवीए से लेकर के आपके 2000 केवीए तक की क्षमता के ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहलाते हैं। उसके अलावा इनमें अलग चीज़ क्या होती है कि ज़्यादातर जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप डाउन प्रकार के होते हैं, क्योंकि सब स्टेशनों पर जो वोल्टेज होती है उसको आपको पता है कि स्टेप डाउन किया जाता है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ज़्यादातर जैसे 33 केवी आ रही थी, हमने पहले डायग्राम पढ़ा था, तो 33 केवी को हम क्या करते हैं 11 केवी में डाउन करते हैं। तो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर किस टाइप के होते हैं, स्टेप डाउन टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, जबकि पावर वाले आपके स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में स्टेप डाउन टाइप के हो गए, उसके बाद और क्या होता है इनमें कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हमेशा लोड से जुड़े रहते हैं। सब स्टेशनों पर आपने जो ट्रांसफार्मर देखे होंगे उनके ऊपर हमेशा है जो भार जो है वो लगा रहता है। लेकिन पावर ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, या फिर यदि मैं बात करूं तो यदि आवश्यकता नहीं होती है तो पावर ट्रांसफार्मर को हम क्या कर सकते हैं, बंद भी कर देते हैं। लेकिन हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो हमेशा इनमें क्या होते हैं, लोड से जुड़े रहते हैं। और लोड से जुड़े रहने के कारण आपको पता है कि जो लॉसेज होते हैं या आयरन लॉस और ये सब, ये क्या होते हैं इनमें हर टाइम बने रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं इनको इस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं हम कि जो इनमें आयरन लॉस होते हैं उनकी जो मात्रा हो वो क्या हो, कम हो, और जो इनकी जो एफिशिएंसी है वो भी आपकी क्या होनी चाहिए, बनी रहे। तो यदि हम बात करें कि जो लोड होता है वो इनमें क्या हो, 50% से भी, जैसे आपने देखा होगा कि लोड का मान यदि वेरी कर रहा है तो हमारे ट्रांसफार्मर की दक्षता भी क्या होती है, कम ज़्यादा होती है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड में, या फिर मैं बात करूं जो प्रतिकर्षी चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी वजह से आपके हिस्टेरेसिस लॉसेज, एडी करंट लॉसेज या कॉपर लॉसेज आपके जो है वो धारा पे निर्भर करते हैं। तो इस प्रकार वो लॉस भी क्या होते हैं हमारे, कम ज़्यादा करते रहते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इनको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को इस प्रकार डिज़ाइन करते हैं हम कि जो इनमें यदि 50% से भी कम लोड हो या 50% भी लोड हो तो भी हमारी जो एफिशिएंसी है वो ना गिरे, हमारे जो लॉस हैं वो ना बढ़े, तो उनको इसी प्रकार से इनका डिज़ाइन किया जाता है। तो इसलिए ये विशेष प्रकार से डिज़ाइन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, क्योंकि इनके ऊपर हमेशा जो है वो आपका क्या लगा रहता है, लोड लगा रहता है। तो ये जो होते हैं वो आपके आधार होते हैं जिनके ऊपर आपका ट्रांसफार्मर जो है वो बंटा होता है। तो सारे हमने पढ़ लिए, व्यापारिक आधार पर बता दिया मैंने आपको, फेजों की संख्या के आधार पर बता दिया, और कोर के आधार पर बता दिया, और वोल्टेज के वर्गीकरण के आधार पर। तो इतनी चीज़ों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशो या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो अनुपात होता है उसके विषय में। ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, तो सबसे पहले बात करते हैं कि किसी ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के जो टर्नों का अनुपात होता है वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो कहलाता है। और ये जो अनुपात होता है वो आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज पैदा होती है उस वोल्टेज के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। लेकिन हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझना, आपको बस इसका फॉर्मूला ध्यान रखना है, और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो करंट होती है वही सिर्फ क्या होगी, उन सब से अलग होती है। कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन को या के का अनुपात किसके बराबर होगा आपका, जैसे मैंने लिखा ES बटा EP, ES का मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न EMF, P का मतलब प्राइमरी में उत्पन्न EMF, NS बटा NP, या फिर हम बात करें VS बटा VP, तो वो बराबर किसके होगा, धारा हमेशा उल्टी हो जाएगी, IP बटा किसके, IS के। बस ये चीज़ ध्यान रखना आप, बाकी इसमें छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे वो आपको प्राइमरी वोल्टेज दे देगा, सेकेंडरी वोल्टेज दे देगा, एक साइड के टर्न दे देगा और दूसरी साइड के टर्नों की संख्या
पूछ लेगा। तो अभी हम एक आधा सवाल ऐसा करके देखेंगे कि किस प्रकार इसमें प्रश्न बनते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्नों का अनुपात क्या कहलाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात कहलाता है। तो ध्यान क्या रखना है कि बाकी सभी चीज़ें ES, NS, VS ये सारी टर्नों पे निर्भर करती है और धारा जो आपकी है वो उनकी विपरीत होती है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहले जैसे ही आप क्या करते हो, ये कोई सिंपल ट्रांसफार्मर हमने बना लिया, थोड़ा सा और विस्तार से समझ लेते हैं इसको। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग होगी और ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी, इनका अनुपात क्या होगा, के होगा। तो जैसे ही हमने इस प्राइमरी वाइंडिंग को आपने सप्लाई से जोड़ा, तो सप्लाई से जोड़ने से इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। तो जब आपने एक अल्टरनेटिंग करंट को जोड़ा है तो आपको पता है कि जो पोल होंगे वो लगातार कभी N कभी S कभी यहाँ N कभी N S, तो इस तरीके से लगातार वो क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा फ्लक्स पैदा होता है, फाई पैदा होता है, वो भी आपको पता है यहाँ पर जो फ्लक्स पैदा होगा वो भी आपका बदलने वाले स्वभाव का होगा, परिवर्तित होने वाले स्वभाव का होगा। तो जिससे क्या होता है कि जो फेराडे का नियम आपने देखा था कि या तो आप किसी चुंबकीय क्षेत्र में चालक को घुमा दो या चालक को स्थिर रह करके हम चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करें, तो उससे क्या होता है उसमें एक वोल्टेज पैदा होती है। तो यहाँ पर हमारा चालक तो स्थिर है, ये वाइंडिंग तो स्थिर है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कभी N बन रहा है, कभी S बन रहा है, कभी N बन रहा है, कभी S बन रहा है, तो वो परिवर्तित हो रहा है। तो इतनी चीज आप मान के चलिए कि इसके अंदर भी क्या होगी, इस वाइंडिंग में भी एक क्या होती है, वोल्टेज पैदा हो जाती है, ठीक है। वो वोल्टेज आपकी क्या होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक EMF बोलते हैं। तो ये वोल्टेज जब इसमें पैदा हुई तो लेंज के नियम के अनुसार जो चीज़ जिससे पैदा होती है वो उसी का विरोध करती है। तो ये वोल्टेज भी आपको पता है कि जो यहाँ अप्लाइड वोल्टेज होगी उसका विरोध करती है और जो होती है उसके बराबर होती है। तो यदि मैं बात करूँ कि जो प्राइमरी वाइंडिंग में ये वोल्टेज होती है वो किसके कारण पैदा होती है, तो आपका आंसर होगा कि ये जो होता है वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, जैसा मैंने आपको बताया था ऑटो ट्रांसफार्मर में। तो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण उत्पन्न होती है और ये जो वोल्टेज होगी वो आपकी किसके समान होती है, जो आपकी दी गई वोल्टेज होती है उसके समान होती है या उसके बराबर होती है। तो इस तरीके से यदि हम बात करें तो जो प्राइमरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज उत्पन्न हो रही है वो प्राइमरी वाइंडिंग के टर्नों के क्या होती है, अनुसार होती है। तो जो प्रत्येक टर्न की वोल्टेज होगी वो आपकी क्या होगी, प्राइमरी के केस में यदि हम बात करें तो वो आपकी हो जाएगी EP बटा NP। यही चीज़ होगी कि जो यदि मैं बात करूं प्रत्येक टर्न की वोल्टेज की, तो वो आपकी टर्नों की संख्या के अनुसार होगी, तो EP बटा NP हो गया, या ES बटा NP, सॉरी हमारा EP बटा NP हो गया। और यदि हम सेकेंडरी के केस में बात करेंगे तो हमारा वही क्या हो जाएगा, ES बटा NS हो जाएगा सेकेंडरी के केस में। तो जब हमारा यहाँ पर फ्लक्स पैदा हुआ तो इसमें एक वोल्टेज पैदा हुई, उस वोल्टेज ने इसी वोल्टेज का विरोध करती है और पूरी उसके बराबर होती है और टर्नों के ऊपर निर्भर करती है। अब ये फ्लक्स हमारा कोर के द्वारा होता हुआ यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पहुँचने पर देखो क्या होगा कि इधर की जो वाइंडिंग है उसमें भी वोल्टेज पैदा होगी, तो इधर की वाइंडिंग में भी वोल्टेज पैदा हुई तो इधर की वाइंडिंग में भी धारा प्रवाहित होती है। अब ये वोल्टेज भी क्या करती है, किससे पैदा हो रही है, जो यहाँ अप्लाइड वोल्टेज कर रहे हैं उसी से तो पैदा हो रही है, तो ये भी क्या होती है, इसी वोल्टेज का विरोध करने वाले स्वभाव की होती है। तो इसमें जो ये फ्लक्स के कारण वोल्टेज पैदा हो रही है उसका अनुपात भी कैसा होगा, बिल्कुल जैसा हमने प्राइमरी में देखा था, ES और कैसा होगा, NS के अनुपात के बराबर होगा। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज होती है वो ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण होती है, और प्राइमरी वाइंडिंग में जो होती है वो सेल्फ इंडक्टेंस के कारण होती है। तो इस प्रकार क्या होता है, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है वो आपका काम करता है। अब देखो कि कई बार एक प्रश्न पूछा जाता है कि जब आपका ट्रांसफार्मर नो लोड पर होता है, तो नो लोड पर होने से क्या होगा कि जब हमारा यहाँ पर लोड नहीं है तो ये धारा तो लेगा नहीं, तो इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो नो लोड धारा का मान वो पूछ लेता है, तो हमेशा ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर की जो नो लोड धारा होती है वो फुल लोड धारा की 2 से लेकर के 5% तक होती है, 2 से लेकर के
5% तक होती है, ठीक है। नो लोड करंट हमेशा 2 से लेकर के 5% तक होती है फुल लोड धारा की। और प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जा चुका है कि चुंबकन धारा या मैग्नेटाइजिंग करंट का मान कितना होता है। तो जब यहाँ पर हमारा कोई लोड नहीं लगा हुआ सेकेंडरी के ऊपर, यहाँ कोई लोड नहीं है हमारा, तो सिर्फ ये उतनी धारा लेगा जितनी कि इसको चुंबक बनाने के लिए आवश्यक है, तो वो धारा क्या कहलाती है आपकी, चुंबकन धारा या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट कहलाती है। उस करंट का मान यदि पूछे तो वो भी आपका कितना होता है, 2 से लेकर के 5% ही होता है। तो नो लोड करंट या चुंबकन धारा, प्रश्न को वो कैसे भी घुमाए, आपको ध्यान रखना है कि उसका मान कितना होता है, फुल लोड करंट का जो है आपका वो 2 से 5% होती है, ठीक है। अब हम एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि करंट हमेशा ध्यान रखना फ्लक्स की समानुपाती होती है, ठीक है। फ्लक्स की क्या होगी आपकी, समानुपाती होती है हमेशा। जो उत्पन्न करंट होती है, करंट आपके समानुपाती होती है किसके, फ्लक्स के। तो जैसे जैसे फ्लक्स का मान आपका बढ़ेगा तो आपकी करंट भी बढ़ती है, और यदि आपका फ्लक्स का मान जो है वो घटेगा तो आपकी जो करंट होती है वो भी घटती है। ये भी ट्रांसफार्मर में आपको ध्यान रखना है। अब एक चीज कि जो हमने K के बारे में पढ़ा, मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, तो हम उसको किस प्रकार लिख रहे थे कि ES बटा EP, NS बटा NP और इधर क्या लिख रहे हैं हम, IP बटा IS। तो देखो कि ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि यदि K का मान 1 से ज़्यादा हो, हम इनको क्या मानते हैं, K मानते हैं, ठीक है। तो K का मान यदि 1 से ज़्यादा हो या K का मान 1 से कम हो तो ट्रांसफार्मर कौन सा होता है। तो K का मान यदि 1 से ज़्यादा हो, जैसे हम ES बटा EP लिख रहे हैं, इसको मैं K मान रहा हूँ, तो इसका मान कब ज़्यादा आएगा, जब मेरे सेकेंडरी के टर्नों की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकेंडरी के मेरी वोल्टेज होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उस केस में मेरा के का मान जो है वो 1 से ज़्यादा आएगा। जैसे हमने सेकेंडरी में मान लिया 8 वोल्ट मिल रही है और प्राइमरी में 4 मिल रही है, तो 4 × 8 2 हमारा आ गया के का मान। तो जब भी के का मान 1 से ज़्यादा हो तो हमारा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, स्टेप अप प्रकार का होता है। और जब के का मान 1 से कम होता है, वो किस केस में होगा, जब हमारी नीचे की जो टर्नों की संख्या या वोल्टेज है वो किस में हो, ज़्यादा हो, और जो सेकेंडरी के टर्न या वोल्टेज है वो हमारे कम हो, तो उस केस में हमारा मान के का मान 1 से कम आता है तो हमारा ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ये भी हमारा एक प्रश्न बनता है कि जब के का मान ज़्यादा हो और के का मान कम हो तो ट्रांसफार्मर जो है वो हमारा किस प्रकार का होगा। तो ये क्या कहलाता है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहलाता है। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, सिर्फ धारा के विषय में धारा विपरीत होती है, बाकी आपको ऊपर सेकेंडरी जो भी चीज़ पूछी जाए उसमें ऊपर सेकेंडरी रखना है और नीचे प्राइमरी रखना है। धारा के बारे में जैसे ही बात आए तो उसको उल्टा कर देना है, ऊपर प्राइमरी और नीचे सेकेंडरी की धारा। अब एक चीज़ और, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज होती है वो आपकी टर्नों पर निर्भर करती है। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि वोल्टेज प्रति टर्न क्या होती है ट्रांसफार्मर में, वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो। तो ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि एक ट्रांसफार्मर का वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो हमेशा समान होता है, हमेशा क्या होगा, समान होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न रिपीट कर दिया उसने कि प्रश्न को वो कैसे पूछता है कि एक ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या दे देगा वो आपको। जैसे मैंने मान लिया प्राइमरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या 100 है और प्रति टर्न के द्वारा उत्पन्न वोल्टेज का मान जो है वो 2 वोल्ट है। तो जब टर्नों की संख्या 100 है, प्रति टर्न की वोल्टेज 2 है, तो कुल वोल्टेज वो कितनी पैदा कर रहा है, मान लिया 200, ठीक है। अब वो प्रश्न को घुमाने के लिए क्या कर देता है कि सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बता देगा, बोल देगा सेकेंडरी में टर्नों की संख्या 200 है तो उसकी वोल्टेज प्रति टर्न बताओ या वोल्टेज प्रति टर्न रेशियो बताओ। तो हमेशा ध्यान रखना कि टर्नों की संख्या
चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ, एक टर्न जितनी वोल्टेज पैदा करता है वो प्राइमरी में भी उतनी करेगा और सेकेंडरी में भी उतनी वोल्टेज पैदा करता है। तो जब वोल्टेज प्रति टर्न उसने हमें बताया है 2 वोल्ट है, तो चाहे हम टर्नों की संख्या 400 करें या टर्नों की संख्या 100 करें, वोल्टेज प्रति टर्न का रेशियो हमेशा कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। तो एक ट्रांसफार्मर में वोल्टेज प्रति टर्न का रेशियो हमेशा क्या रहता है? समान रहता है। तो इस चीज़ का भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, थोड़ा समझ करके पढ़ना है इसको। प्रश्न जो भी बन सकते हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ साथ साथ में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।